क्या आप कमर दर्द से परेशान हैं? मेरे पास कई मरीज आते हैं जो कि कमर दर्द से काफ़ी तंग होते हैं। उनको हम कई तरीके के उपचार बताते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, कुछ कसरत, बैठने उठने के नए तरीके, कुछ ऐसी चीज़ों का परहेज़ बोलते हैं जिससे उनका दर्द बढ़े ना। लेकिन एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसका ध्यान आप सबको रखना चाहिए, जो मेरे से काफ़ी मरीज पूछते हैं कि खान पान में या खुराक में उन्हें क्या खाना चाहिए ताकि उनकी कमर की जो समस्या है वो जल्दी ठीक हो और उनको ये परेशानी बहुत लंबे समय तक ना देखनी पड़े। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर साहिल बत्रा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाने पीने में आप क्या चीज़ों का सेवन करें जिससे आपको कमर की समस्या से जल्दी छुटकारा मिले या आपको कमर की तंगी ना आए। तो पहली चीज़ है प्रोटीन्स। ये दो तरीके के होते हैं। एक हमें मिलते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, यानी कि पेड़ और पौधों से मिलने वाले प्रोटीन्स। दूसरे हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स, यानी कि जो हमें जानवरों से या मीट और मांस से मिलता है प्रोटीन। इनमें से जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं उनमें ज़्यादा क्षमता होती है कि वो हमारे शरीर के जो मांसपेशियाँ हैं उनको, उनकी सोजिश को कम कर सकें, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, उसको कम करने की शक्ति प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में ज़्यादा होती है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स यानी कि मीट मांस में कम होती है। लेकिन आम तौर पे ये धारणा है कि हमें मीट मांस खाएंगे तो हमारी मांसपेशियाँ ज़्यादा तकड़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन से प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हमें खाने चाहिए? जैसे कि घर में आम बनने वाली दालें जो हैं, जो पीली दाल है या काली दाल है या जो मूंग की मसूर की दालें हैं, या फिर छोले हो गए, राजमा हो गए, या छोटे जो लोबिया बोलते हैं जिसको, इन सब में काफ़ी मात्रा में फाइबर भी होता है और अच्छा प्रोटीन होता है जो हमारी मांसपेशियों को, सोजिश को कम करता है। साथ में इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी मांसपेशियों को और भी तरोताज़ा रखते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स अगर आप शौकीन हैं, आप खाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा लाइट वेट वाला खाएं, जैसे कि चिकन या फिश। और अगर आप फिश भी खाते हैं, उसमें भी सबसे अच्छी फिश मानी जाती है सैल्मन, जो यहाँ पे बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर आप ध्यान से ढूंढें तो आपको सैल्मन फिश भी मिलेगी। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी मांसपेशियों को और भी अच्छा रखते हैं और उनकी सोजिश को कम करते हैं। दूसरी जो हमें डाइट में देखनी है वो है वेजिटेबल्स, जो हम रोज़ाना खाते हैं घर में बनने वाली सब्जियाँ। हर सब्जी एक समान नहीं होती, हर सब्जी में अलग अलग गुण होता है। किसी में फाइबर ज़्यादा होता है, किसी में मिनरल या विटामिन ज़्यादा होते हैं। हमें वैसी मांसपेशियाँ कमर के लिए चाहिए जो कमर की मांसपेशियों को तगड़ा भी रखें और उनकी सोजिश को कम करें। तो ऐसे में जो हरी सब्जियाँ हैं वो सबसे अच्छी रहती हैं, जैसे कि पालक हो गई, साग हो गई, फलियाँ हो गई। अगर हम ये सब्जियाँ खाते हैं या जो हरी गोभी आती है जिसको हम ब्रोकली भी बोलते हैं, वो चीज़ों से हमें इतना पिगमेंट मिलता है कि उससे मांसपेशियाँ हमारी और मजबूत होती हैं। फिर आ जाते हैं फल, यानी कि फ्रूट्स। फ्रूट्स का मतलब है शुगर, उसमें सब में चीनी होती है, तो मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, खाना कम है। लेकिन कौन से फ्रूट्स हैं जो सबसे अच्छे रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स या मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बोन्स और हमारी मसल्स के लिए या मांसपेशियों के लिए सबसे अच्छे रहते हैं, वो होते हैं बेरीज। जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी देख लें या ब्लैकबेरीज देख लें, या फिर अगर आप खाना चाहते हैं तो एप्पल खा सकते हैं, एप्पल में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो कैल्शियम रिच फूड होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ या मांसपेशियों को कैल्शियम चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलता है दूध या दूध से बनने वाले पदार्थ से, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गई, दूध हो गया। इन सब में फैट या कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो मात्रा को कम रखना है, लेकिन सेवन इनका रोज़ाना करना है ताकि आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ कैल्शियम ज़रूर मिले। एक आजकल नया फ्रूट आया है जिसको हम एवोकेडो बोलते हैं। ये बाहर तो पाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी हमें जगह जगह पे मिलने लग गया है। एवोकेडो एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारा फैट होता है, लेकिन ये अच्छा फैट होता है। ये फैट हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी मांसपेशियों को तकड़ा करता है और हमारी मांसपेशियों की सोजिश को कम रखता है। तो हफ्ते में एक आधी बार ही अगर आप एवोकेडो भी खाएं तो ये भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा
सिर्फ और सिर्फ खुराक में ही बदलाव करने से आपकी कमर की दर्द की समस्या ठीक नहीं होगी, इसके साथ साथ आपको दवाइयाँ, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ये सब भी करना पड़ेगा, तभी आप अपनी कमर दर्द से पूरी तरीके से मुक्ति डाल सकते हैं। धन्यवाद।